नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मुझसे और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे ही नया वर्ष आने वाला होता है हम सभी लोग उत्सुक रहते हैं हमारे नए साल में हमारे साथ क्या होने वाला है, यानी हम जानना चाहते हैं कि हमारी राशि में इस साल क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको पूरी 12 राशियों के बारे में बताएंगे कि आने वाला जो साल है यानी कि 2019 जो है वो आपकी राशि के अनुसार किस प्रकार का होगा। आज हम जिस राशि की बात करने वाले हैं वो है मेष राशि। हम जो आपको राशिफल बताने वाले हैं उसके 6 निम्न बिंदु होंगे, वो है स्वास्थ्य, धन संपत्ति, शिक्षा और कैरियर, व्यवसाय और नौकरी, प्रेम और उपाय और सलाह। सबसे पहले बात करते हैं हम स्वास्थ्य की। तो वर्ष के आरंभ में आपकी राशि से 12वें घर में मंगल विराजमान है जो आपके लिए स्किन संबंधी परेशानियां दे सकते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है क्योंकि जैसे जैसे वर्ष का समय आगे बढ़ेगा उसके साथ ही ग्रहों की चाल में भी बदलाव आएगा जिससे आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। मार्च के अंत में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मई में मंगल के कारण स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं धन संपत्ति की। तो मेष राशि वालों को इस वर्ष आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। मार्च तक का समय आपके लिए उत्साहित कहा जा सकता है। फाइनेंशियली आप इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे। 7 मार्च से राहु के कारण आपको लेन देन व धन निवेश के मामलों में सचेत रहना होगा। कुल मिलाकर साल के पूर्वार्ध के अंतिम दिनों में फाइनेंशियल डिसीजन विवेक से लेने होंगे, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। वर्ष के अंतिम दिनों में मंगल अष्टम भाव में आ जाएंगे जो कि इस वर्ष जाते जाते आपके लिए फाइनेंशियल रूप से लाभकारी योग बना रहे हैं। अप्रैल से मई तक आपको भवन या वाहन का सुख मिल सकता है। अब बात करते हैं हम शिक्षा और कैरियर की। तो मेष राशि वाले इस साल अपने कैरियर में ग्रोथ देख सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक अपने कैरियर की शुरुआत नहीं की है उसके लिए ये साल एक अच्छी शुरुआत लेकर आ सकता है। आपको इस साल कई बेहतर ऑफर मिल सकते हैं। इसके पश्चात राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अतः काम का सावधानी से करें। जलन रखने वाले सहकर्मियों पर ध्यान रखें, आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकते हैं। काम में लापरवाही भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। मार्च माह के अंतिम दिनों में बृहस्पति के कारण शिक्षकों को कार्यस्थल पर सम्मानित किया जा सकता है। उच्च शिक्षा के लिए स्थान परिवर्तन हो सकता है। हम बात करते हैं व्यवसाय और नौकरी की। तो मेष राशि वालों के लिए ये वर्ष व्यवसाय के क्षेत्र में लाभकारी रहने की उम्मीद है। राहु के कारण कई बार अनावश्यक मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, लेकिन व्यापारिक क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। मई जून में पदोन्नति के साथ ही आर्थिक आधार पर भी सफलता मिलेगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी आप अपने हाथ आजमा सकते हैं। इस वर्ष आपको उच्च पद पर पदस्थ होने का गौरव मिल सकता है। तो बात करते हैं प्रेम की। तो मेष राशि वाले वो लोग जो अभी तक सिंगल लाइफ जी रहे हैं उन्हें अपनी पसंद का पार्टनर इस साल मिल सकता है। अपनी प्यार का इजहार करने वाले जातकों को सकारात्मक जवाब मिलने की उम्मीद है। ग्रह स्थिति वर्ष के शुरुआती दिनों में रोमांटिक लाइफ अच्छी रहने के संकेत दे रही है। विशेषकर विवाहित जातकों के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का समय रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। सितंबर माह के उत्तरार्ध का समय आपकी लव लाइफ के लिए शानदार कहा जा सकता है। पार्टनर का सपोर्ट आपको मिल सकता है। बात कर लेते हैं उपाय और सलाह की। तो मेष राशि वालों को इस वर्ष प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जहाँ तक हो सके ज़्यादा मसालेदार भोजन ना करें। हो सके तो अपनी जेब में लाल कलर का रुमाल रखें और अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए अपने दाहिने हाथ में मूंगा धारण करें। हमारे आने वाली वीडियो में आप बाकी बची 11 राशियों के बारे में जानेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।